बीच में से आपके क्वेश्चंस रह गए थे, सो वी आर डिस्कसिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज। हमारे पास दो तरह के जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, वन इज द डिपेंडेंट एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स जब एक की वैल्यू दूसरे को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो दैट वन इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यू कैन से द लाइंस आर कोइंसिडेंट, और ये आपका कंसिस्टेंट होता है सिस्टम, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों कंसिस्टेंट के केस में बनते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं अगर, तो जो आपका सिस्टम है दैट विल बी द डिपेंडेंट वन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन इट विल बी द इंडिपेंडेंट वन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि आ रहा है तो अगेन दिस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए थी हमारे पास कंसिस्टेंट, ऑप्शन बी थी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिक सॉल्यूशन को। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ जो है ये आंसर था आपका, डी ऑप्शन अगेन इसमें आंसर था आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं 5 years ago the सागर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज तीरू। 5 years ago, तो प्रेजेंट एजेस हमने इनकी मान ली, सागर की एक्स और तीरू की वाई। तो 5 years ago की हम बात करें तो एजेस एक्स माइनस फाइव और वाई माइनस फाइव बन गई। उसके बाद अब उसमें वो क्या कह रहे हैं, सागर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज तीरू, तो सागर एज इज ट्वाइस ऑफ तीरू एज। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी आपकी, ये सागर की एज है x माइनस फाइव, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ y माइनस फाइव, ये बन गया आपका x माइनस फाइव इज इक्वल टू टू वाई माइनस टेन, सो दिस इज x माइनस टू वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन गिवन है, 10 years अगो सागर्स एज विल बी 10 years मोर देन तीरू's एज। तो 10 years अगो एज ऑफ सागर क्या बनेगी, एक्स माइनस टेन, और एज ऑफ तीरू क्या बनेगी, वाई माइनस टेन। 10 years अगो सागर्स एज इज 10 मोर देन द तीरू's एज। क्लियर है ये? अब क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस टेन इज इक्वल टू वाई, ये माइनस टेन प्लस टेन कैंसल आउट हो गया, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू टेन। तो ऑप्शन सी में ये दोनों आपकी इक्वेशंस आ रही थी, तो ऑप्शन सी वाज योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सिंपली आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना था, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। गिवन था हमें ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा लेना था यहाँ पे, दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई टू, सो एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो जीरो माइनस करोगे या जीरो में से माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख रही हूँ, y1 माइनस y2, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? हाँ जी, इज दिस क्लियर? अब क्या आएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो, ब्रैकेट्स खोल लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से लेंगे तो अगेन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो प्लस और माइनस वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो इसकी जगह क्या आ गया ए स्क्वायर, ये सारा रूट के नीचे, और बी स्क्वायर वाले में अगेन बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो आंसर आ गया आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस
इज डिवाइडेड इन द रेशियो. रेशियो आपको निकालनी है तो जब भी रेशियो निकालनी होती है हम मान के चलते हैं कि दैट इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो के रेशियो वन. राघव सीधे बैठो बेटे. टू कॉमा माइनस थ्री एंड फाइव कॉमा सिक्स. तो दिस इज द लाइन. लाइन गिवन है आपको इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो. यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना है, जीरो पुट करना है. क्या आएगा, लेट द रेशियो बी के रेशियो वन. वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. ये मैंने वाई कोऑर्डिनेट लिया, एक्स की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि y कोऑर्डिनेट से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. समझ आया ये, दोबारा देख लो इसको. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 कॉमा माइनस 3 एंड 5 कॉमा 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. अगर इसको डिवाइड कर रही है x एक्सिस से, यू नो दैट द y कोऑर्डिनेट इज 0. तो हमने क्या किया, लाइन के जो आपके पास कोऑर्डिनेट थे उनको यूज करके k रेशियो 1 में y कोऑर्डिनेट निकाल लिया. y कोऑर्डिनेट के लिए ये y वाले कोऑर्डिनेट्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो दिस विल बी 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है इस केस में, 0. तो इक्वल टू हमने 0 पुट किया, यहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी यहां से 6k इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1/2. रेशियो k रेशियो 1 था यानी कि हाफ रेशियो 1 बन गया ये. तो हाफ रेशियो 1 इज 1:2. तो ऑप्शन ए आपका आंसर था. उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 7a 9 10 एंड b माइनस 6 इज 6 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. अब आपको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, वर्टिसेस गिवन है. तो सेंट्रॉइड का आपको फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. So this is minus 2 plus 0 minus 6 upon 3. ये मैंने अलग ले लिया है. This is 7 plus 9 plus b. मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट ले लिए थे. 7 plus 9 plus b by 3 is equal to 6 given है हमें. और सेकेंड वाले के लिए बनेगा ये आपका a plus 10 minus 6 upon 3 is equal to 3. वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन थे 7, a 9, 10 और b कॉमा माइनस 6 और सेंट्रॉइड इनका गिवन था 6, 3. x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड. a प्लस 10 माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड. इनको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज आ जाएंगे कि a आ रहा था आपका यहाँ पे 5 एंड b आएगा 2. तो ऑप्शन d अगेन जो है वो आपका आंसर थी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था -2, 4. ये कर लोगे कंप्लीट आगे, ये वैसे काफी बच्चों का ठीक भी था. अब a b c हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर -2, 4. कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 0, 0 and coordinates of c are -6, 2. These are the vertices of triangle. Find the length of the median through the vertex b. Vertex b से length of the triangle median आपको निकालनी है. Vertex b से median, ये median means yes, जो opposite side पे, जिस side पे आप इसको draw करते हो, यानी कि vertex से opposite side को 1:1, 2 equal parts में divide करता है, यानी कि उसके मिड पॉइंट से जाके मिलता है. तो इसकी लेंथ निकालने के लिए मुझे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट मुझे पता है कौन सा पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है. तो क्या आएगा मिड पॉइंट, -2, -6/2 यानी कि -4 और 4+2/2 यानी कि 3. अब इनका डिस्टेंस आपने निकालना है, क्या लगेगा फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए. हाँ जी, 0+4 होल स्क्वायर एंड 0-3 होल स्क्वायर अंडर द रूट. तो दिस इज 16+9
दैट इज 5. तो 5 यूनिट्स इज योर आंसर. ऑप्शन डी था अगेन ये. देन साइन अल्फा हमें गिवन था रूट 3/2 एंड कॉस बीटा इज 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा. साइन की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे. और कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 90 डिग्री पे. तो दिस इज 90 माइनस 60 दैट इज 30. क्लियर? इसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 14. सीकेंट टू द पावर 14 secant to the power 4a minus secant square a is equal to. Now, इसको जो ऑप्शन गिवन थी वो सारी tan की टर्म्स में थी, यानी कि इसको हमने tan की टर्म्स में लिखा. tan की टर्म्स में लिखने के लिए क्या किया, secant to the power 4 को मैंने लिख लिया secant square a का square. लिख सकते हैं ऐसे. माइनस इसको भी कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस tan square a. अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर सेकेंड स्क्वायर ए इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि मेरा आंसर जितनी भी टर्म्स मुझे गिवन थी वो सारी की सारी टेन की टर्म्स में थी, तो सेकेंड को मैंने टेन में कन्वर्ट कर लिया. पहले पावर 4 को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा. सेकेंड स्क्वायर ए आइडेंटिटी है ये आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस हो रहा है, ये वाला आपका जो टर्म है वो एज इट इज चलेगा. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा? 1 प्लस टेन टू द पावर 4 ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए. प्लस 1 माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया? टेन टू द पावर 4 ए प्लस टेन स्क्वायर ए. ऑप्शन बी जो है इन दोनों को सिंप्लीफाई करके प्लस टेन स्क्वायर आ गया. तो ऑप्शन बी वॉज योर आंसर. यू कैन टेक. उसमें आपका ये बन जाएगा, अगर आप कॉमन लेके चलते हो तो दिस इज सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर ए के. और इधर इसको कन्वर्ट कर लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ब्रैकेट खोल के यू विल गेट द सेम आंसर. उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है दैट इज 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है. तो मैक्सिमम वैल्यू 1 उसने पूछा था, बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 1 नहीं गिवन था. यू वर गिवन 2, 4, 3 एंड कॉस 0. आपको पता है कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है. तो अगेन ऑप्शन डी आपका आंसर बनना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपकी करेक्ट वाली ऑप्शन नहीं थी. कुछ बच्चे लिख गए थे आंसर 1155, तो दैट वॉज योर आंसर. इसका आपको क्रेडिट मिला है. जो मर्जी आप ऑप्शन मार्क करके गए हैं या इवन नहीं भी मार्क करके गए, नहीं वाले को शायद नहीं मिले हैं, बट अगर आप कोई भी मार्क करके गए हो तो यू हैव गॉट 1 मार्क. देन क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड गिवन है, यानी कि ये रेडियस बन जाएगा 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितना एरिया वो स्वीप कर रहे हैं उतना आपको बताना है. अब 1 मिनट में कितना जो है डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे? देखो 360 डिग्री टोटल सर्कल का आपका बनता है, और कितने उसमें बनता है ये 60 मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्रीज बन रहा है. अब कितने मिनट्स हैं यहाँ पे? 10 मिनट्स हैं, तो सेंट्रल एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री. अब आपको ये एरिया निकालना है, रेडियस आपको 14 के बन. तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका 308/3 आ रहा था आंसर. तो ऑप्शन बी आपकी करेक्ट थी, सो यू हैव गॉट द मार्क्स फॉर दैट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का था, उसमें था आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर.
सर्कल का रेडियस आपको 42 सेंटीमीटर गिवन था एंड आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा था. यू आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. ये आपको निकालने की डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा था. एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 या पाई आर थीटा अपॉन 180. सो पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 180. तो 44, मैंने कहीं कैलकुलेटिंग मिस्टेक की है, चेक करो. नहीं, ठीक है, 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा. सो ऑप्शन बी वॉज योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 19. डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4, 40 and 9. डायमीटर ऑफ अ सर्कल आपको निकालना है, बिगर सर्कल का, जिसका एरिया दो छोटे स्मॉलर सर्कल्स जो हैं उनके एरिया के इक्वल है. यानी कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्मॉलर टू सर्कल. स्मॉलर टू सर्कल्स का जो आपको रेडियाई गिवन है, दैट इज पहले वाले का 40 गिवन है और सेकेंड वाले का 9 गिवन है. तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेने. तो बिगर वाले का रेडियस आपको निकालना है. तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 1681. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. जब आप इसका रूट लोगे तो आर की वैल्यू आपके पास 41 आएगी. डायमीटर उसने पूछा था, तो दैट इज इक्वल टू 82 सेंटीमीटर. ये समझ आया है कि दोबारा करवाऊं? जस्ट अ मोमेंट अमृत.